हाय गाइस हेलो। तो आज मैं आपको लाई हूँ मेकअप मेकअप ट्यूटोरियल। सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज मेरा बर्थडे और आज मेरी दीदी मेरा मेकअप करने वाली है। आइए तो मेरी दीदी से मिलिए। मेरी दीदी को बहुत अच्छी मेकअप आती है। हाय, तो आज मैं करने वाली हूँ अपनी बहन की मेकअप ट्यूटोरियल, क्योंकि मेरे को मेकअप अच्छी आती है। आज उसका जन्मदिन है तो आज मैं उसका मेकअप करूँगी। इसी के साथ आपको मैं इसका ड्रेसअप भी दिखा दूँगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे क्यूनिक्स कंपनी की फाउंडेशन, ठीक है। इसमें हम इसके ऊपर ये फाउंडेशन को लगा देंगे। देखिए इसमें ये ठंडा ठंडा लगता है ये फाउंडेशन। तो इसमें मैंने पूरी तरह से फाउंडेशन सेटअप कर दिया। अब इनके फेस में मैं फाउंडेशन को लगा दे रही हूँ। तो गाइस अब हम लगाएंगे लैक्मे वाली फाउंडेशन। तो चेहरे पे आपको लैक्मे वाली फाउंडेशन हमेशा चेहरे पे कम ही यूज़ करना रहता है, क्योंकि वो लैक्मे ना एकदम गाढ़ा और थिक रहता है। इससे ना चेहरे पे बहुत ज़्यादा फैलता है थोड़ा लगाने से भी, इसलिए मैं ना अपनी बहन के चेहरे पे लैक्मे थोड़ा ही यूज़ करूँगी। वो पहला वाला फाउंडेशन हमें सेट कर लिया है, अब ये दूसरा फाउंडेशन। तो पूरी तरह से फाउंडेशन लग चुका और ये सेट भी हो गया। इसमें हम लगाएंगे मेकअप पाउडर। तो ये मेकअप पाउडर लगा लेंगे हम। देखिए अब मैं इस मेकअप पाउडर को इनके चेहरे पे फ्लैट पर, पहले हम लगाएंगे नॉर्मल वाली मेकअप पाउडर, फिर हम लगाएंगे ग्लिटर वाली मेकअप पाउडर। इस पाउडर को हम फेस में अच्छे से ये कर लेंगे स्प्रेड। फिर अब इस पाउडर को लेकर हम स्पंज कर लेंगे आँखों के नीचे से स्पंज करने, क्योंकि आँखों के नीचे किसी किसी के डार्क सेंस रह जाते हैं। तो गाइस नॉर्मल वाली मेकअप पाउडर लगा के हो चुका, अब हम ग्लिटर वाली मेकअप पाउडर यूज़ करेंगे। इसे हम खाली ब्लश करेंगे हल्का हल्का साइड साइड में, पूरे फेस में हम अप्लोड नहीं करेंगे इसे। अब है ना मैं एक ब्लश से इसे ब्रश करके ले लेती हूँ। ओके, तो मैंने अच्छे से ब्लश करके मेकअप में पाउडर सेटअप कर दिए। अब मैं लगाऊंगी कलर्स वाली ब्लशर, यानी कि पिंक कलर की ब्लशर। कौन सा कलर लगानी मुझे? ये वाली सूट करे। तो ये वाली कलर उसे पसंद आ गई, तो ये वाली कलर की ब्लश करेंगे हम। तो ये कलर भी बहुत ही ज़्यादा शानदार है, मेरी पसंद शानदार है। तो पिंक कलर की ब्लशर मैंने लगा चुका है, अब है आई, अब हम लगाएंगे पाउडर। तो आप है ना कभी मेकअप पाउडर या मेकअप सेटअप करते हो ना किसी के चेहरे पे या खुद के चेहरे पे, तो आपको उसके ऊपर ना पाउडर भी यूज़ करना चाहिए। अगर आप पसीने से कुछ भर जाते हो ना, तो वो मेकअप पाउडर आपका मदद करता है, तो वो मेकअप को मिठाने से रोकता है। तो यहाँ पर मैं हल्का हल्का चेहरे पर पाउडर भी यूज़ कर लेती हूँ। और चिंता मत कीजिए, ब्लशर का कुछ नहीं होगा, ब्लशर तो मिटने वाला है नहीं। देखिए अच्छे से मैंने पाउडर भी सेटअप कर लिए। तो गाइस अभी है ना आई शेडो को भरी है इसकी ड्रेस। अगर आपकी ड्रेस कौन सी कलर की है, तो उसी कलर से कॉम्बिनेशन करके आप आई शेडो यूज़ कर सकते हो। तो मेरी बहन की ड्रेस का कलर है पिंक एंड ब्लू, तो मैं ऊपर वाले में दूंगी पिंक और नीचे वाले में दूंगी ब्लू। ओके, कैसे नीचे वाले में? तो गाइस मैंने पहले तो पिंक वाली लगा दी। ओके, पिंक वाली लगा दी, आप देख सकते हो। अब मैं लगाऊंगी इस छोटे ब्रश से ब्लू वाली। ओके, तो ब्लू वाली लगाने के लिए बहुत फोकस करनी है, क्योंकि वो बराबर लगाना है।
तो गाइस मैंने दोनों आई शेडो लगा दिया है। शायद इस वीडियो में आपको ज़्यादा दिख रहा नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको नज़दीक लिया, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से लगा दिया, इसका पाउडर सेटअप कर दिया। अब लिपस्टिक की बारी, तो हम पहले तो इसमें थोड़ा और ब्लश कर देंगे। ओके, अब हम लिपस्टिक लगाएंगे। मैं इसको लिपस्टिक लगा रही हूँ। पहले तो मैं लिपस्टिक की पेंसिल लगा दे रही हूँ इसमें। जैसे साइड साइड से हम लिपस्टिक की पेंसिल लगा देंगे। लिपस्टिक की पेंसिल लगाने के बाद हम यहाँ पे लिपस्टिक यूज़ करेंगे। मैंने इसको लिपस्टिक लगा दी, इसके ऊपर से हम कोरियन वाली लिप बाम लगाएंगे। तो मेरे पास है कोरियन वाली लिप बाम, इसे मैं लगा लूँगी। इससे आपकी होंठ शाइन करती है। तो इधर कोरियन वाली लिपस्टिक भी लगा के हो चुका है, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रही है। अब इसमें के माथे पे हम एक छोटी सी टिकली लगा लेंगे, किसी की नज़र ना लगे, इसलिए मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ब्लैक वाली टिक्का। तो चलिए ब्लैक वाली टिक्का इसके माथे पर लगा देती हूँ। तो देखिए कितनी खूबसूरत दिख रही है मेरी बहन। अब ड्रेसअप की बारी, तो चलिए मिलते हैं ड्रेसअप में। तो गाइस हो गई है मेरी बहन रेडी, आप देख सकते हो कितनी सुंदर लग रही है। गाइस मेरे दीदी की ये वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब कर। मेरी दीदी ने इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया, तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना।